नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सोनिया और आज है संडे का दिन और सुबह के 6 बजे हैं और सुबह 6 बजे मैं पहुंच चुकी सदर बाजार में। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर भीड़ भाड़ कुछ नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर मैं सामने देख सकती हूँ कि काफी काउंटर्स यहाँ पर लग चुके हैं सदर बाजार आने के लिए। सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आर के आश्रम है। आर के आश्रम से जब आप ई रिक्शा में आते हैं तो वो आपको यहाँ 12 टूटी चौक पर छोड़ता है। तो यहाँ 12 टूटी चौक से ही राइट साइड पर आपको ये बैरिगेट्स दिखाई देते हैं और ये सारी यहाँ पर आपको संडे की सदर पटरी मार्केट दिखाई देती है। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं सदर बाजार की संडे पटरी मार्केट सुबह 6 बजे से। तो सुबह 6 बजे मैं मार्केट में पहुंच चुकी थी। आप देख सकते हो काफ़ी यहाँ पर स्टॉल लग चुके हैं और काफ़ी लगने वाले थे और भीड़ भी बिल्कुल नहीं मिली थी मुझे उस टाइम पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रुकी थी। यहाँ पर भैया 50-50 रुपये में ना ये नेक पीसेस सेल कर रहे थे, जिसमें अलग अलग कलर के मोती की डिज़ाइनिंग आपको मिलती है और कुछ इसमें टेम्पल वाली डिज़ाइनिंग थी, कुछ हार्ट शेप की थी, मतलब सबके पेंडेंट के डिज़ाइन अलग अलग थे। 100 रुपये में दो भैया ने बोला था, अगर आप सिंगल लेना चाहते हो वो भी मिल जाएगा। तो उसके बाद एक भैया यहाँ पर सॉक सेल कर रहे थे और ये हैंड कवर सेल कर रहे थे, जो कि गर्मियों में हाथों को टैनिंग से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको ब्लैक कलर में मिलेगा और कुछ टैटू वाली डिज़ाइनिंग में मिलेगा और सिंगल कलर में भी आप इसे ले सकते हो। ये 35-35 रुपये में आपको मिल रहे थे। तो उसी के साथ में भैया एक यहाँ पर रफल सेल कर रहे थे 50 रुपये में 6 पैकेट। आप देख सकते हो कलरफुल रबड़ बैंड है और एक पैकेट में आपको 1 दर्जन रबड़स मिलती हैं। तो देखो भाई, 50 रुपये में 6 पैकेट मिल रहे हैं, मतलब 6 दर्जन आपको रबड़ बैंड मिल रहे हैं। स्कूल के बच्चों के लिए ना, लड़कियों के लिए काफ़ी सही रहते हैं, ब्लैक वाइट रेड कलर के वो थे। ठीक है, उसके बाद ये वाला मुझे बेस्ट काउंटर नज़र आया था। आप जो मेरे हाथ में लेस के पैकेट देख रहे हो ना, ये सब 20-20 रुपये के लेस के पैकेट हैं और भैया कह रहे थे इसमें आपको 7-8 मीटर आसानी से मिल जाता है। तो जो सबसे पहले वाइट वाला पैक था ना, ये वाला मैंने अपने लिए ख़रीदा 20 रुपये का और सच में आकर मैंने इसको घर पर चेक किया तो ये वाकई 8 मीटर का पैकेट निकला था। तो इस तरह की लेसेस ना आपको मार्केट में काफ़ी जगह देखने को मिलती हैं, जो कि 20-20 रुपये में आपको मिल जाती है, कभी कभी आपको 10-10 रुपये में भी मिल जाती है। ठीक है, आप देखो भैया ने कितना पूरा बड़ा पैकेट यहाँ पर खोल दिया, डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है इनकी। तो सुबह सुबह जब मैं मार्केट गई थी ना, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन मुझे नज़र आ गया था। तो उसी के सामने भैया यहाँ पर एक काउंटर लगा कर बैठे थे नेक पीसेस का। इनकी प्राइस थी 120-140 रुपये। जो चोकर था वो 120 का था और जो इस तरह के नेक पीसेज हैं वो 140 रुपये के भैया सेल कर रहे थे। तो तसल्ली से ना मुझे यहाँ पर बॉक्स खोलने का भी टाइम मिल गया था, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी सुबह सुबह। तो उसी के बैक साइड में भैया यहाँ पर ये कुछ चोकर सेट बेच रहे थे, ये था 80 रुपये का। ठीक है, एक काउंटर पर 120 का था, दूसरे काउंटर पर 80 रुपये का था। तो प्राइस रेंज का डिफरेंस ना आपको मार्केट में देखने को मिलता है। जब भी आप मार्केट आते हो ना, थोड़ा चेक कर लेना, कहीं पर आपको 10-20 रुपये का प्राइस डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि आपका कोई भी किसी तरह का पैसे का नुकसान ना हो, उसमें आप अच्छे से अच्छा सामान यहाँ से ज़रूर लेकर जाएं। तो उसके बाद एक भैया ना यहाँ पर ये लेसिस के बड़े वाले पैक सेल कर रहे थे, जैसे शॉप के लिए चाहिए आपको या अपने बुटीक के लिए इकट्ठा ख़रीदना है। तो यहाँ पर अलग अलग पैक के अलग अलग प्राइस है और भैया ना प्राइस बता रहे थे मुझे, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया क्योंकि भैया ने गुटखा खाया हुआ था तो उनकी भाषा मुझको यहाँ पर समझ नहीं आई। लेकिन आप लेसिस के डिज़ाइन देख सकते हो, सारा ही आपको बुटीक डिज़ाइन में देखने को मिलता है। आप संडे को यहाँ पर एक पैक भी खरीद सकते हो। देखो, इस तरह की मार्केट स्टार्टिंग में मुझको नज़र आई थी, धीरे धीरे करके पूरे स्टॉल लग चुके थे और धीरे धीरे इतनी भीड़ बढ़ चुकी थी 7 बजे तक। तो आप देख सकते हो कि जल्दी आने का फ़ायदा भी रहा मुझको। और उसके बाद एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर ना ये सेल कर रहा था हैंगिंग्स, 30 रुपये की एक लेंगे आप तो वो 30 रुपये की मिलेगी, अगर 4 लोगे तो वो कह रहे थे कि 25 रुपये की लग जाएगी, मतलब 100 रुपये में आपको 4 मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह के बॉयज़ के कुछ मुझे वेस्ट वाले बैग नज़र आए थे, स्लिंग बैग नज़र आए थे, ये सारा बॉयज़ का मुझे कलेक्शन नज़र आ रहा था और यहाँ पर कुछ बॉयज़ भी अपने लिए इन बैग्स को खरीद रहे थे। तो इनकी प्राइस है 120-140-160 रुपये और क्वालिटी ना मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैंने इनकी जो ज़िप वगैरह ना वो भी सब खोल कर चेक की थी, देखो तो इस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा इनका फैब्रिक लग रहा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बॉयज़ अपना कलेक्शन खरीदने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ लेडीज़ का ही कलेक्शन दिखाती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर ये 550 की रेंज में एक वैनिटी बॉक्स सेल कर रहे थे भैया और उसी के साथ में ये जो आप देखोगे ना अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो 200 का था, लेकिन अब मैं इसको खोल खाल कर आपको पूरा चेक करके दिखा देती हूँ कि हाँ, इस तरह के वैनिटी बॉक्स भी सदर मार्केट में मिल जाते हैं। ये 200 रुपये में दो
मिलेंगे आपको, जिनको हम श्रृंगारदानी भी बोलते हैं। साथ में आप देख सकते हो कि यहाँ पर माता की चुनरी भी मिल रही है और पीछे वाले काउंटर पर कुछ अंडर गारमेंट्स भी मिल रहे हैं। तो आप साथ साथ देखते जाइए कि बैक टू बैक एक साथ चिपक चिपक के सारे काउंटर्स यहाँ पर लगे रहते हैं। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर भैया बिंदियाँ सेल कर रहे थे, ये 60 रुपये में 2 दर्जन आपको पूरे पैक मिलते हैं, ठीक है। आपको इसमें सिंगल पीस बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अपनी शॉप के लिए लीजिए, अपने पार्लर के लिए लीजिए, या अपनी पर्सनल शॉपिंग के लिए आपको पूरा पैक खरीदना पड़ेगा, लेकिन डिज़ाइनिंग काफ़ी सुंदर सुंदर इसमें आपको मिल जाती है। तो बिंदी वाले भैया के साथ में यहाँ पर कुछ पार्टी आइटम मिल रहा था डेकोरेशन वाला, इसमें हैप्पी बर्थडे था, वेलकम था, हल्दी मेहंदी का सारा आपको डेकोरेटिव आइटम भी मिल जाता है। इनकी प्राइस रेंज थी 60 रुपये, कोई 60 रुपये का बलून था, कोई 80 रुपये का था। तो डिज़ाइनिंग के साथ साथ उनकी प्राइस भी चेंज हो रही थी। तो यहाँ पर कुछ स्टेशनरी का आइटम मैंने देखा था, यहाँ पर पेंसिल पेन सेल हो रहे थे, ये वाला था 60 रुपये का जिसमें पर्ली लिखा हुआ है, और अप्सरा वाला था, प्लैटिनम वाला था, इनकी रेंज थी 60, 80, 100, 50, ठीक है। और ये जो मैंने पेन के पैकेट्स उठाए हैं ये 30 रुपये में 5 सेल हो रहे थे, ठीक है। आप देख रहे हो ना रेड वाला, और इसके साथ मैं आपको मल्टी कलर वाला भी दिखाऊंगी, ये 40 रुपये में 20 पेन थे जो कि काफ़ी प्यारे थे, काफ़ी स्मूथ ये चलते हैं, मेरे तो फेवरेट पेन ये हमेशा रहते हैं, बचपन से जब से मैं पेन से लिखना शुरू किया था ना क्लासेस में, ये फेवरेट पेन रहते हैं। तो इस तरह का स्टेशनरी आइटम भी सदर बाज़ार में काफ़ी मिल रहा है, जैसे कि बच्चों का न्यू सेशन स्टार्ट होगा, अभी नई क्लासेज स्टार्ट होंगी, तो आप इस तरह की बजट शॉपिंग यहाँ से कर सकते हो। भाई ये वाला मस्त आइटम मुझे इस बार लगा था, ये बॉटल के वाले जो बॉटल वाला मटीरियल होता है ना, उसमें आपको पूरा मयूर जग मिलता है, आप इसको बड़ी बॉटल बोल सकते हो, और साथ ही साथ इसमें आपको टैप लगा हुआ भी मिलेगा, ठीक है। ये भैया 100 रुपये का सेल कर रहे थे, जो कि मुझे सही लग रहा था, अगर आपको कहीं जाना है, गाड़ी में जाना है, कहीं बाहर जाना है, छोटी छोटी बोतलें आपको भर के नहीं ले जानी पड़ेंगी, तो आप इस तरह से इसको खोल सकते हो और इसमें पानी भी भर कर ले जा सकते हो। तो ये वाला समर्स का ना काफ़ी कलेक्शन मुझे अच्छा लगा था इस बार मार्केट में, और आप देख सकते हो इसमें काफ़ी कलर भी थे भैया के पास। तो मार्केट में चलते हुए एक से एक सामान आपको मिलता जाता है, जो भी आपकी ज़रूरत का सामान होता है सब आपको सदर की संडे पटरी मार्केट पर मिलता है। यहाँ पर ये फोटो फ्रेम भैया सेल कर रहे थे 100 रुपये का, पिछली बार इन्होंने मुझको बताया था, लेकिन इस बार इन्होंने मुझे इसका प्राइस 150 रुपये बताया था। तो प्राइस रेंज ना आगे पीछे होता रहता है, तो वो आपको जानना इस वीडियो के थ्रू ज़रूरी है, ताकि आप लोग ये ना समझे कि भाई सोनिया ने तो इतना प्राइस बताया था, ये तो हमको महंगा मिल रहा है। तो हर हफ्ते ना भैया प्राइस ना अलग अलग बोलते रहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर बार्गेनिंग भी करा सकते हो, ठीक है। तो हर तरह का सामान आपको संडे की सदर पटरी मार्केट पर मिलता है, जो जो काउंटर आप आगे बढ़ते जाओगे ना, इस तरह का मुझको यहाँ पर ही अंडर गारमेंट्स का, लेडीज़ का काउंटर नज़र आया था, ये 100 रुपये की 4 ब्रा भैया यहाँ पर सेल कर रहे थे, सारी पैकिंग में थी। कुछ शॉप वाले भैया अपने लिए बोरे भर भर कर भी लेकर जा रहे थे उनका, और मार्केट लगनी स्टार्ट हुई थी तो इस तरह की वो अपने बोरे भरकर लेकर जा रहे थे। तो यहाँ पर एक भैया ना ये चुन्नियों का काउंटर लगाते हैं, सिर्फ 50-50 रुपये में ये दुपट्टे सेल करते हैं, जिसमें आपको इस रेंज में ना काफ़ी डिज़ाइनर दुपट्टे भी देखने को मिल जाते हैं। लकीली ना बहुत अच्छा अच्छा पीस भी आपको कम रेंज में यहाँ पर मिल जाता है, ये सारा फ्रेश कलेक्शन है, लेकिन जब भी आप लेते हो ना तो आपको सोच समझ कर खरीदारी करनी, अच्छे से उसको चेक करना है, ठीक है। तो जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं, अष्टमी नवमी पे पूजा करने के लिए इस तरह के कुछ प्लेट्स के पैक मिल रहे थे, कोई 100 का था, कोई 120 का था, कोई 150, 180, तो इस तरह के गिफ्ट आइटम भी मैंने पूरी मार्केट में देखे हैं। तो आप इनको अपनी शॉप के लिए भी परचेज़ कर सकते हो, पर्सनली भी गिफ्ट करना है आपको तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हुए मुझे ये वाला काउंटर नज़र आया था चूड़ियों का, यहाँ पर चूड़े भी मिल रहे थे, 50 रुपये का एक पैक था, लेकिन भैया होलसेल के प्राइस भी बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक मैम थी वो अपनी शॉप के लिए यहाँ पर परचेज़ कर रही थी। तो काफ़ी कॉस्मेटिक आइटम भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ एलेटिन का ना ये काजल मिल रहा था, भाई ये ओरिजिनल एलेटिन नहीं है, ये 20-20 रुपये में काजल मिल रहे थे। मैंने भी एक बार ख़रीदा था ये वाला काजल, मेरा तो ठीक ठाक चल रहा है, मैंने लगाया था, मुझे कोई उस तरह किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी थी, अच्छा चल गया था। तो आप भी इस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पे कम रेंज में ले सकते हो। तो आगे एक और मुझे यहाँ पर ये लेसेस का काउंटर नज़र आया था, ये भैया दे रहे थे 10-10 रुपये में, ठीक है, सिर्फ 10-10 रुपये में पूरा बंच आपको लेसेस का मिलता है। मैं आपको पास से इसकी क्वालिटी दिखाती हूँ, सारा ये फ्रेश कलेक्शन देखने को मिलता है। मैं भाई देखती हूँ ना जैसा, वैसा ही आप लोगों को रिव्यू देती हूँ कि भाई हाँ भाई आपको कल को कोई परेशानी ना हो कि बताया कुछ था और मिला कुछ था। तो इसमें आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कलेक्शन आपको लेसेस में मिल जाता है। तो काफ़ी काउंटर्स होते हैं लेसेस के जो इस तरह की लेस सेल करते हैं।
तो भाई सुबह 6 बजे मैं मार्केट में गई थी, उसके बाद मैंने इतना सारा अच्छा अच्छा कलेक्शन आपके लिए कवर किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो ज़रूर जल्दी से लाइक कर देना वीडियो को, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर देना, ठीक है। यहाँ पर ये लोअर मिल रहे थे 150 रुपये में दो, जो कि कलर प्रिंट के हिसाब से काफ़ी बेस्ट थे। तो आगे एक भैया और यहाँ पर चूड़ियाँ सेल कर रहे थे 20-20 रुपये पैकेट के हिसाब से। इनकी ना चूड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और ये भैया ना डायलॉग बहुत अच्छे मारते हैं, आप सुन लेना एक बार। चोरी करेगी मोटी होके मरेगी, तो भैया इस तरह के डायलॉग भी मारते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भैया ना जो चूड़ियाँ सेल करते हैं, इनके पास काफ़ी छोटे छोटे साइज़ भी आपको लड़कियों के लिए मिल जाते हैं। तो इतने छोटे साइज़ की चूड़ियाँ ना सदर बाज़ार में ईजिली आपको मिल जाती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया ना, इस तरह का आइटम भी आपको मिल रहा है मार्केट में। तो ये जितने भी आप ये लंच बॉक्सेस के, कंटेनर्स के, मल्टीपर्पज़ यूज़ के बॉक्स देख रहे हो, ये है 240 रुपये में आपको मिलते हैं, ठीक है। हर पैकेट का 240 रुपये आगे वाले का, ठीक है। और क्वालिटी वाइज मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए आप इनको परचेज कर सकते हो, शॉप पर सेल करने के लिए ले सकते हो, अपनी किचन में सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इन प्लेट्स का प्राइस भी अलग अलग था, कोई 120 की थी, कोई 150 की, कोई 180 की, कोई 220 की। साइज़ के अकॉर्डिंग और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इनके प्राइस अलग अलग हैं। तो ये वाली जो प्लेट आप देख रहे हो, ये थी 250 रुपये की दर्जन, ठीक है। तो एक एक दर्जन आपको पूरे पैक में मिलता है, आपको एक दो पीस भैया बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। और ये मिल्टन की बॉटल थी यहाँ पर, ये थी 150 रुपये की। तो ये ओरिजिनल कंपनी की थी, इसमें आपको कलर डिज़ाइन काफ़ी मिल जाते हैं, ये 150 रुपये में आपको मिलते हैं। तो इस वाली शॉप के आगे भैया ने काउंटर लगाया हुआ था। संडे को सारी शॉप्स बंद नहीं रहती हैं, कुछ शॉप्स खुली भी रहती हैं, तो आप मार्केट में आकर विज़िट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं हनी भैया की शॉप पर आ गई हूँ। इनके पास भी ना मुझे काफ़ी अच्छा कलेक्शन हमेशा ब्लाउजेज का लगता है, और सुबह मैं जल्दी आई थी ना तो मेरा फ़ायदा हो गया था। यहाँ पर मैं आपको तसल्ली से एक एक ब्लाउज़ खोलकर दिखा रही हूँ, क्योंकि भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी इनकी शॉप पर। और इनके यहाँ पर ही ब्लाउजेज़ की रेंज स्टार्ट हो जाती है 150 रुपये से 250 रुपये तक, कोई कोई आपको 100-100 रुपये का भी पीस मिल जाता है। तो इस तरह की मैं आपको डिज़ाइनर स्लीव दिखा रही हूँ इनको, और एक ब्लाउज़ के डिज़ाइन में आपको काफ़ी सारे कलर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग में आप यहाँ से ब्लाउजेज खरीद सकते हो। पैडेड वाले हैं सारे, कुछ स्लीव वाले मिलेंगे और कुछ स्लीवलेस आपको मिलते हैं, गोल्डन में, मल्टी कलर में, जो भी आप खरीदना चाहो वो इजीली आपको मिल जाता है। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये वाले ब्लाउज़ की मैं आपको स्लीव दिखा देती हूँ, कितनी डिज़ाइनर स्लीव है। तो इसकी प्राइस भैया ने मुझे 250 रुपीज़ बताई थी। तो इस तरह का कलेक्शन आपको सदर की संडे पट्टी मार्केट पर ईजिली मिल जाता है। तो मैं अलग अलग डिज़ाइन आपको दिखाने की कोशिश करी, क्योंकि कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि इनके काउंटर पर भीड़ ना मिले, ठीक है। तो आपको अपनी शॉप के लिए खरीदना है, अपनी शॉप के लिए भी आप परचेज कर सकते हैं, और एक दो पीस भैया यहाँ पर आपको दे देते हैं, ठीक है। तो ये सारा कलेक्शन मैंने कवर किया था इस बार संडे की सदर पटरी मार्केट पर। तो जैसे जैसे मैं मार्केट में आगे बढ़ती रही, ज़रूरत का सारा सामान मुझको मिलता गया। यहाँ पर ये शगन देने वाले भैया पैक लिफाफे दे रहे थे पैकेट के हिसाब से, इसमें भी एक दो नहीं मिलेगा। कोई 20 का था, कोई 30 का था, कोई 40 का था, और जो फैंसी वाले हैं ये भी आपको 40-50 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं। तो ऐसे सगन देने के लिए ना, ऐसे पैकेट्स का घर में होना बहुत ज़रूरी होता है, कि भाई हमको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है तो सगन तो देना ही होता है, तो इस तरह के पैक होने घर में ज़रूरी हैं। तो आगे स्लीपर्स का भी आपको काफ़ी कलेक्शन मार्केट में मिल जाता है, अलग अलग बॉयज़ की, गर्ल्स की, बच्चों की, लेडीज़ की, सब की आपको स्लीपर्स भी 100-100 रुपये में आसानी से मिल जाती हैं। और हैंडबैग का कलेक्शन तो सदा बहार है भाई सदर बाज़ार में। तो यहाँ पर आपको ना 50 रुपये से लेकर 250 रुपये की रेंज में काफ़ी सारे डिज़ाइनर पर्स मिल जाते हैं। ये वाले भैया 100-100 रुपये के पर्स दे रहे थे, ठीक है। तो कुछ शॉप्स ना पर्स की लगने वाली थी, जहाँ पर मैं आपको ब्रांडेड दिखाती हूँ, वो वाले भैया ना जब तक आए नहीं थे। तो मैं आपको उसके अलावा दूसरे बैग्स दिखा रही हूँ। ये वाले बैग भैया 150 रुपये में दो दे रहे थे, ठीक है। तो इस तरह के छोटे बड़े आपको सारे बैग इजीली सदर बाज़ार में मिल रहे हैं। आप आ सकते हैं अपनी फैमिली में, फ्रेंड के साथ, या घर में जितनी भी लेडीज़ हैं सब मिलकर सदर बाज़ार से आप शॉपिंग करोगे ना, आपका काफ़ी मन लगने वाला है। अगर आपको एक बार शौक लग गया ना सदर बाज़ार से शॉपिंग करने का, आप अपनी आसपास की मार्केट से कभी शॉपिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि इस मार्केट में आपका सब ज़रूरत का सामान मिल जाता है, कम प्राइस में मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये की होल्डर मिल रहे हैं, आप इनको हैंग कर दो, घर की चाबियां टांग सकते हो, कोई छोटा मोटा सामान भी इनमें रखने के लिए जगह आपको मिलती है। ये 50 रुपये का एक दे रहे थे भैया। और भाई उसके बाद फिर से कटिंग टेलरिंग का सामान बेच रहे थे भैया यहाँ पर 150
₹20 में इस तरह का पूरा पैक आपको रील का मिलेगा, ठीक है। और भैया बोल रहे थे इसमें 100 रील आपको मिलेंगी, ठीक है। कहीं पर 100 का पैक मिलेगा, कहीं पर 120 का मिलेगा। प्राइस रेंज का 10-20 रुपये का अंतर आपको जगह जगह देखने को मिलता है। तो इस तरह की हेयर एसेसरीज आपको यहाँ पर मिलती है। क्लचर मिल रहे थे, कहीं पर ये आपको 20 का पैकेट मिलता है, कहीं 30 का पैकेट मिलता है, कहीं 40 का पैकेट मिलता है। क्वालिटी के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से सबके प्राइस अलग अलग मुझे लगे थे, ठीक है। तो इस तरह के क्लचर भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, मैं खुद यूज़ करती हूँ सदर बाज़ार के क्लचर्स। और भाई ब्राइडल कलेक्शन भी आपको काफ़ी अच्छे रेट में यहाँ पर मिल जाता है। तो कुछ यहाँ पर गजरे मिल रहे थे पूरे पैकेट के हिसाब से, 120 का आपको गजरे का पैक मिल जाता है, कोई 150 का मिल जाता है, क्योंकि गजरों में भी ना अलग अलग क्वालिटी होती है फ्लावर्स की, ठीक है। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो भी अच्छी बुरी क्वालिटी में आपको मिलते हैं, तो अच्छी क्वालिटी का प्राइस अच्छा होगा, लो क्वालिटी का प्राइस कम होगा। तो इस तरह के ब्राइडल मेहंदी हल्दी के सेट भी आपको मिलते हैं। तो एंड में चलते चलते मैं पहुंच चुकी हूँ कुतुब रोड पर। तो बाराटूटी चौक से एंड पर जब आप कुतुब रोड पर सीधा सीधा चलते हो ना, यहाँ पर आपको चूड़ियों का इतना अमेजिंग कलेक्शन मिलता है। 5 रुपये से यहाँ पर इन चूड़ियों के पैक की रेंज स्टार्ट हो जाती है। 5 रुपये में आपको एक दर्जन चूड़ी मिलेगी। आप देख सकते हो इस तरह की लेडीज़ यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ कड़े आपको सेल करती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इन अम्मा जी से चूड़ियों का प्राइस पूछा था, तो वो कहती थी 5 रुपये दर्जन से स्टार्ट है और 15-20 रुपये तक आपको अच्छी अच्छी चूड़ियाँ मिल जाती है। कुतुब रोड का मैं आपको सीन दिखा रही हूँ पूरा, और यहीं से वापस यू टर्न मार के मैं वापस बाराटूटी चौक के पास पहुँच जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं आपको चूड़ियों की कुछ डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ। मीना वाली चूड़ियाँ बोलते हैं ना इनको, घर में जो हम लोग पहनते हैं, लेडीज़ पहनती हैं, मम्मियाँ पहनती हैं, हमारी दादी पहनती हैं, तो उस तरह की पक्की चूड़ियाँ भी आपको सदर बाज़ार के कुतुब रोड पर मिल जाती हैं, ठीक है। तो पक्की चूड़ी पहनने का ना ट्रेंड अभी तक है। हमारे घर की जो मम्मियाँ होती हैं, दादी होती हैं, मैं भी पक्की चूड़ी पहनती हूँ घर में कई बार, ठीक है। तो इस तरह का अगर आप सामान खरीदना चाहते हो, चूड़ियाँ खरीदना चाहते हो, तो कुतुब रोड पर वो आपको मिलता है। तो भाई कुतुब रोड पर ही ना आपको यहाँ पर ये लटकन भी मिलती हैं, जिनकी रेंज अलग अलग होगी। यहाँ पर भैया ना आपको एक दो पीस बिल्कुल भी नहीं देते हैं। अपनी शॉप के लिए अगर आपको ख़रीदना है ना, तो लटकन का आप यहाँ से अमेजिंग कलेक्शन परचेज़ कर सकते हो, जिनकी रेंज अलग अलग है। कोई 360 रुपये दर्जन है, कोई 250 रुपये दर्जन है, कोई 480 रुपये दर्जन है। डिज़ाइनिंग के ऊपर उनके रेट डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो कुतुब रोड पर आपको एक दो लटकन नहीं मिलेगी। जब आप रूई मंडी में जाते हो, सदर की पटरी मार्केट जो यहाँ पर मैंने दिखाई है, वहाँ पर आपको एक दो पीस मिल जाता है। तो पूरी मार्केट में आप एक दो पीस रिटेल की शॉपिंग भी कर लेते हो, अपनी शॉप के लिए भी पूरी बल्क में शॉपिंग कर सकते हो। तो ये 480 रुपये दर्जन के हिसाब से इस रेड वाली लटकन का प्राइस था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेसेस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। देखो आप वही पैक हैं सारे, जब आप शॉप पर लेस खरीदने जाते हो तो यही वाली लेसेस आपको मिलती हैं ना, तो सारी ये इसी तरह की मार्केट से जाती हैं शॉप्स पर भी, ठीक है। तो अगर आपको एक दो पैक खरीदना है तो इसमें से आप ले सकते हो, क्योंकि ये लूज़ में सेल हो रहा है, ठीक है। तो आगे जब मैंने यू टर्न लिया था ना वापस मेन रोड के लिए, तो यहाँ पर ये पर्सेस का काउंटर था, 100 रुपये से इनकी रेंज स्टार्ट थी। और जब भी आप इस तरह के हैंडबैग या कोई भी सामान खरीदते हो ना, आपको उसको खोलकर ज़रूर चेक करना है। बिना चेक करे आपको कोई भी सामान मार्केट से नहीं लाना है, ठीक है। और मार्केट में धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाती है, जितना जल्दी आओगे आपके लिए फ़ायदा है। अपने आपको यहाँ पर अपना ध्यान रखना है, आपके सामान का ध्यान रखना है, पर्स मोबाइल का ध्यान रखना है, छोटे बच्चों को बिल्कुल भी मार्केट में नहीं लाना है। और यहाँ पर चोरी चकारी भी होती रहती है, तो जो भी आप सामान खरीदते हो ना, उसको भी आपको उसका भी ज़रूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भैया ये ट्रे के सेट सेल कर रहे थे, और सबसे क्यूट क्यूट सी यहाँ पर रिंग मैंने देखी थी, 120 रुपये का ये पूरा पैक मिल रहा था। ये हार्ट शेप का बॉक्स है, जो 120 रुपये में आपको छोटी बच्चियों के लिए ना कार्टून वाली डिज़ाइनर रिंग्स मिल जाती हैं, और कुछ इस तरह के अलग अलग डिज़ाइन में भी ये आपको रिंग्स मिल जाती हैं। यहाँ पर ऊपर ब्लैक वाला पैकेट देख रहे हो, ये ईयर रिंग का है। तो इसमें से भी एक दो पीस नहीं लेना है, आपको पूरा पैक ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और हेयर एसेसरीज भी एक काउंटर पर मुझे यहाँ पर नज़र आई थी। इन वाले भैया के ना रेट मुझे बहुत ज़्यादा लगे थे, इन्होंने 100-100 रुपये का एक पैक बताया था, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा था। अगर आपको सस्ती हेयर एसेसरीज लेनी है ना, सिर से पाँव तलक की ज्वेलरी लेनी है, हेयर एसेसरी लेनी है, तो आप रुई मंडी से ही लेना, क्योंकि रुई मंडी में ना आपको काफ़ी अच्छे सस्ते प्राइस में ये एक एक पीस भी मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं मार्केट में स्टार्टिंग में फिर से वापस आई, यहाँ पर और भी काउंटर्स लग चुके थे। तो यहाँ पर ये कुर्तियाँ मिल रही थी 100-100 रुपये में, ठीक है। 100 रुपये के हिसाब से बिल्कुल ठीक है भाई, 100 रुपये में इतना ही मिलेगा।
ऐसा मत सोचना कि 100 रुपये में आपको 500 वाला मिलेगा, लेकिन घर पहनने के लिए आपको परफेक्ट मिल जाता है, या इस रेंज में आपको किसी को देना है या घर में पहनना है तो उसके लिए ठीक है। ठीक है, कुछ में मैंने आपको टैग भी दिखाए हैं, सारा ये फ्रेश कलेक्शन है, फ्रेश कलेक्शन है इसलिए मैंने आपको दिखाया है। और ये सलवार भी थी भैया के पास, जो कि टैग आप देख सकते हो, इनमें भी टैग लगा हुआ, ये भी आपको 100-100 रुपये में इजीली मिल जाती है। तो भाई अगर आपको सस्ती शॉपिंग करनी है तो आप अपने बजट के हिसाब से सस्ती शॉपिंग संडे की सदर पटरी मार्केट से कर सकते हो। ठीक है, एक काउंटर और था यहाँ पर जिसमें आपको वॉल क्लॉक मिलती है, रिस्ट वॉच मिलती हैं, और इनकी रेंज शुरू हो जाती है 150 रुपये से 250-300 रुपये तक, भैया ने मुझको बताई थी। और सब घड़ियों में ना ये 10:10 ही बजे रहते हैं, जब भी आप कोई नई घड़ी लेते हो या वो बंद पड़ी होती है भैया के पास, फिर उसको सेल लगा कर ऑन करते हैं, तो 10:10 ही आपको सारी घड़ियों में देखा होगा आपने हमेशा, टीवी के एड में भी। तो आप मुझे बताना कि ये घड़ी में 10:10 क्यों बजे रहते हैं सभी घड़ियों में, अगर आपको पता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इसमें भी कोई ख़ास बात होती है, अगर आपको नहीं पता तो वो मैं आपके कमेंट के रिप्लाई में बता दूंगी। और फिर हमेशा की तरह यहाँ पर आपको कम रेंज में सूट भी मिल रहे थे, तो ये मैंने देखे थे यहाँ पर, ये थे 350-300 रुपये में। ठीक है, 350 के हिसाब से ठीक है, लेकिन जब भी खरीदते हो आप खोलकर चेक करना है आपको अच्छे से, और 50 रुपये के सूट भी सदर मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते हुए ज़रूर जाना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, जय माता की।